वेलकम बैक माय चैनल हनुमंगम ब्लॉग्स। दोस्तों कहते हैं ना कि सर्विस अच्छी करवानी चाहिए और बाइक का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा करवाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी समस्या का समाधान ढूंढते उड़ते परेशानी होती है। दोस्तों क्या होता है, थोड़ी सी गलती कारण हम काफ़ी ज़्यादा नुकसान की तरफ जाते हैं। ऐसा ही नुकसान आपको पीछे दिखा रहा हूँ किसी बाइक का। ये देखो आप, ये नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है बाइक का। छोटी सी कारण था कि इसके जो पीछे वाले ब्लैक ड्रम था वो ड्रम घिसा हुआ था, जिस कारण से यानी ड्रम का जो अंदर से जो हिस्सा होता है वो कटा हुआ था और वो एकदम से ब्रेक जाम कर गए। ड्रम ख़राब था और ब्रेक जाम हो गए, जाम होने के कारण से स्लिप कर गई और सामने से आ रहे ट्रक के नीचे ये बाइक आ गई थी। और तो दोस्तों आप इस तरह की गलती ना करें जैसा इस बाइक के साथ हुई थी। जब भी सर्विस करवाएं, अच्छी सर्विस करवाएं, एक अच्छे मैकेनिक के पास ही अपनी बाइक दिखाएं। मैं नहीं चाहता कि किसी बाइक साथ में ऐसा हो जैसा इस बाइक के साथ हुआ है। इस बाइक का टोटल हिस्सा ख़त्म हो गया है और काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तो छोटी सी गलती थी, नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो से आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि कभी भी पहले किसी मैकेनिक से आप सर्विस करवाते हैं तो उसके बारे में पूरा जान पड़ताल कर लें, पूरा पहचान कर लें कि उसका काम कैसा है और उसकी सर्विस कैसी है। क्योंकि कुछ पैसों के लालच में यानी कि हम चाहते हैं ये कि कुछ खर्चा कम हो तो हम किसी मैकेनिक के पास रहते हैं जिसका खर्चा कम होता है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें इसी तरह की वीडियो उन तक पहुँचे और उन्हें मालूम हो जाए कि किस तरह से एक छोटी सी गलती से एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये HF डिलक्स की BS6 बाइक है और सिर्फ इसका कारण ब्रेक लेदर जो है उनके चिपकने से हुआ है, क्योंकि इसका पीछे जो अलॉय व्हील था वो कट चुका था और उसके ड्रम जो ब्रेक का था वो ख़राब था, जिस कारण ब्रेक लगाने के बाद टायर की ट्रक के नीचे आ गया स्लिप करने से और इतना बुरा इसका हाल हो गया। आप ये गलती ना करें, बुरा हाल।